साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम बिल्कुल ठप पड़ा है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। लोग गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी, कंटामिनेटेड वाटर पीने पे मजबूर हैं, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे। जब भी अधिकारियों से बात करो जल बोर्ड में, एक ही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है, और ये बात कहीं सही भी है। पीछे एस्टिमेट कमेटी में जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी आए, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हर विधानसभा का बजट जो है, फंड्स जो है, वो नेगेटिव में नील है, तो कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता परेशान है। विधायक के ऑफिस में लोग गंदे पानी की बोतल भर के लेके आते हैं, और वो बिल्कुल गटर का पानी है, जो कोई ह्यूमन बींग टच भी नहीं कर सकता, सूंघ भी नहीं सकता, ऐसा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। बहुत से ऐसे एरिया जहां वाटर पाइपलाइन 30-40 साल पुरानी है, उनको रिप्लेस करना है। एस्टिमेट बन गए, वर्क ऑर्डर हो गया, एजेंसी अपॉइंट हो गई, लेकिन फंड्स नहीं है, काम शुरू नहीं हो पा रहा। बोरवेल सैंक्शन पड़े हैं, एजेंसी हैं, लेकिन काम शुरू नहीं हो पा रहा क्योंकि फंड्स नहीं है। 31/7 को इसी साल पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट था इसका टैंकरों का, वो खत्म हो गया, नए टैंकर इसलिए हायर नहीं हो पा रहे कि फंड्स नहीं है। तो लोग जाए तो जाए काम, अध्यक्ष जी, और जवाब ये मिलता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ग्रांट रिलीज नहीं कर रहा। तो ये एक एसेंशियल चीज है, पानी जिसके बिना लोग एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। लोग प्राइवेट टैंकरों से पानी, रॉ वाटर खरीद रहे हैं, जिससे बीमारियां बढ़ती जा रही। तो मेरा आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को इमीडिएटली डायरेक्शन दी जाए कि वो फंड्स रिलीज करें, ताकि अगर लोगों का जीवन स्वस्थ रहे और लोग पोर्टेबल वाटर जो है उनको मिल सके। नहीं तो अध्यक्ष जी, ऐसी एपिडेमिक फैलने वाली है जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट तो हाथ खड़े करते, हम जिम्मेवार नहीं है, लेकिन जल बोर्ड की भी मजबूरी है कि बिना फंड्स के कोई काम नहीं हो पा रहा। धन्यवाद। राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी, आपने 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं पहले तो बिंदेश्वर पाठक जी, जिनको लोग सुलभ के नाम से भी जानते थे, जो सुलभ शौचालय के संस्थापक थे, उनकी कल मृत्यु हो गई, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने समझा के जैसे पानी और हवा आदमी की बेसिक ज़रूरत है, उसी तरीके से शौचालय भी उन चीज़ों में आता है जहाँ पर अगर ना हो तो कितने एक सम्मान को धक्का लग सकता है किसी को, इस बात को उन्होंने समझा। और मुझे लगता है कि बिंदेश्वर पाठक जी की उस बात को अगर किसी ने आगे बढ़ाया और ज़रूरी समझा, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली में सबसे ज़्यादा शौचालय बनवाए जो पूरे देश में कहीं होंगे, और उनको प्रयोग में लाने को भी मुफ्त कर दिया। सोच वही थी कि अगर आप साफ सफाई वाली जगह पर शौचालय नहीं जाएंगे तो आप बीमार भी हो सकते हैं, साथ में एक खास तौर के महिला के सम्मान को एक धक्का लगता है, एक डर का माहौल पैदा होता है, और उसके आसपास में रहने वाले सभी लोग परेशान होते हैं, चाहे वो कोठी के हों, बंगले के हों, झुग्गी वाले तो परेशान थे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ में मुझे ये बताना पड़ रहा है कि जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं उन सभी के यहाँ पे हालात हैं कि शौचालय एक तो बने बनाए कई जगह से तोड़ ही दिए गए, क्योंकि नई नई स्कीम लेके आते हैं एलजी साहब, उन्होंने उनको तोड़ा। बार बार जब आवाज़ उठाई गई, मैंने यहाँ इस विधानसभा में जब आवाज़ उठाई तो कम से कम इतनी मेहरबानी मुझको हो गई कि मुझे दोबारा जगह दे दी गई, जो शौचालय तोड़े थे, जो माननीय केजरीवाल जी ने 2016 में वहाँ बनवाए थे, उन्हें तोड़ दिया गया, वहाँ एक बाग बनाना चाहते थे एलजी साहब, लेकिन वो दोबारा जगह दे दी गई कि ठीक है आप बना लो, तो तोड़े ही क्यों थे भाई, लेकिन चलिए हमारी इतनी दरखास्त के बाद में उन्होंने दोबारा जगह दी। ड्यूसिप की सीईओ मैडम ने मुझे कहा वो सितंबर तक बन जाएंगे, लेकिन अब उनका कहना है कि वर्क ऑर्डर की स्थिति है तो और 2-4 महीने लग जाएगी, चलिए। लेकिन जो बने हुए हैं उनकी भी स्थिति इतनी ख़राब है, कोई सफाई नहीं है, वहाँ डब्बे नहीं मिलते, वहाँ कोई साबुन नहीं मिलता, और बड़ी दयनीय स्थिति है। एक मुर्गा मार्केट मेरे यहाँ पे एक जगह है वजीरपुर गांव में, उसमें एक शौचालय है जो गिरा पड़ा है, कोरोना टाइम में गिरा था, आज तक उसे ठीक नहीं कर रहे हैं, कहते हैं पैसा नहीं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, कहाँ जाएंगे लोग? दिल्ली में खेत भी नहीं है, कम से कम मेरी विधानसभा में तो नहीं है कि कोई जाके वहां कर ले।